जयराम सरकार नई आबकारी नीति के तहत प्रदेश में शराब की कीमतें कम करने जा रही है। सरकार के इस फैसले से विपक्ष ने भी तलख तेवर अपना लिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकार पर प्रदेश में महंगाई कम करने के बजाय शराब सस्ती कर खजाना भरने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैस सिलेंडर खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, सरकार महंगाई पर काबू तक नहीं पा रही है। वहीं अपना खजाना भरने के लिए शराब में एक्साइज ड्यूटी कम रही है, इससे प्रदेश में शराब का ज्यादा चलन बढ़ेगा। प्रदेश में पहले ही चिट्टा सहित अन्य नशों की गिरफ्त में युवा फंसा जा रहा है। वहीं अब शराब के दामों को कम करके सरकार प्रदेश में नशे को और बढ़ावा दे रही है। सरकार जनता के मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि कहां तो नशे को कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, लेकिन सरकार अपना खजाना बढ़ाने के लिए शराब सस्ती कर रही है। शराब सस्ती करने से कितना सरकार का खजाना भरेगा ये तो एक साल बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन इस फैसले से कोई ज्यादा रेवेन्यू बढ़ने वाला नहीं है। वहीं सुक्खू ने मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश की जनता की समस्याओं से ज्यादा दिल्ली चुनाव महत्वपूर्ण थे और उन्होंने प्रवास पर जाने के बजाय दिल्ली में प्रचार को ज्यादा अहमियत दी है। जा रही है, अनाज महंगा होता जा रहा है और शराब सस्ती होती जा रही है। ये जयराम सरकार की कार्यप्रणाली इस बात को दर्शाती है, जहां महंगाई पर वो काबू नहीं पा रहे हैं और अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए वो शराब की एक्साइज ड्यूटी को कम कर रहे हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार जनता के प्रति गंभीर नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 बजे तक छूट दो या 12 बजे तक छूट दो या 10 बजे तक छूट दो, नशा जो है वो एक समाज में बढ़ती प्रवृत्ति है, इसको कम करने की जरूरत है, ना कि इसको बढ़ाने की जरूरत है। शराब के दाम कम करके ये भविष्य में बताएगा कि खजाने में कितनी आय हुई या खजाने में कितना व्यय हुआ, लेकिन मेरा ये मानना है किसी प्रकार की नशे की प्रवृत्ति को कम करने के लिए सरकार की कोशिश होनी चाहिए। आज प्रदेश में नशे के कारण युवा जो है चिट्टे की चपेट में आ चुके हैं, कई और नशीली पदार्थों का सेवन करने जा रहे हैं, ऊपर से शराब सस्ती करके सरकार क्या दर्शाने की कोशिश करती है? क्या इससे आय बढ़ेगी? ये तो एक वर्ष बाद पता लगेगा कि आय में कितनी गुना वृद्धि हुई है, लेकिन प्रदेश की जनता को इन सब नशों से बचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को अनाथ छोड़कर 15 दिन अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली गए हैं। तो प्रवास तो निश्चित रूप से शीतकालीन प्रवास उनका छोटा होना था, और वो चुनावों का परिणाम बताता है कि जिस प्रकार वो जनता के ख्याल नहीं रख रहे हैं, आने वाले समय में इस प्रकार की चुनौतियों का उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। अपने शहर का करें आकलन, उठाएं नागरिक की आवाज और बताएं क्या आपका धर्मशाला शहर जीवन यापन की दृष्टि से उत्तम है या नहीं, जिसके आधार पर पेश किया जाएगा ईज ऑफ लिविंग एवं नागरिक अनुभव का रिपोर्ट कार्ड। तो आप भी ईज ऑफ लिविंग परसेप्शन सर्वे में भाग लेकर शहर के प्रति अपना विचार साझा करें। तो उठाएं अपना फोन और बार कोड को स्कैन करके कहें अपने दिल की बात। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.lifetimes.tv।